शिवराज की निकली अर्थी, हुआ भारी विरोध, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व पीसीसी सचिव अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने सरकार की अर्थी निकाली। इस दौरान कांग्रेस नेता हाथों में तख्तियां लेकर चले। इनमें लिखा था 50% कमीशन वाली सरकार की अर्थी। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के हर विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वो एफआईआर से नहीं डरते, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बता दें, कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि हमें जेल भेजो, हम इसके लिए तैयार हैं, हम लोग सच बोलेंगे, अगर एफआईआर करना है तो करो, अगर किसी ने पत्र लिखा है तो हाईकोर्ट इसकी जाँच करेगा, एफआईआर दर्ज करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गयी। बता दें, पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के लोग रात दिन झूठ बोलते हैं, लेकिन इन पर एफआईआर नहीं होती। धार में 300 करोड़ की लागत से बना कराम डैम बह गया। इसी के साथ पटवारी घोटाला, घोषणा आहार घोटाला जैसे तमाम घोटाले मध्य प्रदेश में हो गए लगातार। इसको लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर पे, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।